यहाँ पर जो खाली इसकी जगह है ये भी मैं दिखाऊंगा बाद में कि इस पर नल डाला जाता है, उसको बोलते हैं नल, लाइनिंग करते हैं इसे। वो लाइनिंग जब करते हैं तो फिर ये अच्छा होता है। उसके बाद इस पर तहरे दिया जाता है जो कि मैंने आपको दिखाया इससे पहले भी वीडियो में, वो फाइनल वर्क होता है। अभी मैं तहरे दिखा रहा हूँ, इसे गौर से देखना ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगा। तहरे जो है ये काम उतना आसान भी नहीं है, बट आसानी है जब इंसान ध्यान देता है किसी चीज़ पर, वो फिर सब कुछ समझ आता है। गौर से इस वीडियो को देखना, लाइक तो ज़रूर करना और कमेंट में बता देना कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। ये वर्क करने के बाद फिर इस पर होगा तहर। तहर मैंने आपको बोला है वो फाइनल वर्क होता है इस पर। डिफरेंट तरीके होते हैं तहरे देने के, आप देख रहे हो किस तरीके से ये दे रही है। ये होता है अलिफ 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 को भी तहरे देना होता है जब हम इस काम में ये वर्क करते हैं। ये होता है पत्ता, चिनार का एक पत्ता होता है जो इसके अंदर, ये खाली जगह है, इस पर भी अब वो डालेगा, वो दूसरा रंग इस पर लगाएंगे अंदर से। वीडियो को गौर से देखना, वीडियो को आप शेयर नहीं करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए जिसमें आप सीख सकते हो कि ये वर्क हम कैसे करते हैं। जिस किसी को भी ये शाल चाहे, हम इसकी डिलीवरी भी करेंगे अगर किसी को चाहिए, काम करने के लिए नहीं तो भेजने के लिए। हम चाहे फेरन हो या शाल हो, वो कमेंट में बताए मुझे चाहिए ये फेरन या शाल, भेजते हैं हम। चिनार को हम तहरे दे रहे हैं अभी। वीडियो को गौर से देखना फिर समझ आ जाएगा कि किस तरीके से चिनार पर भी तहरी किया जाता है। इसको चारों तरफ से लाइनिंग डाली जाती है, ये जो लाइन हम लगा रहे हैं अभी वही सुई में, ये धागा कैसे भरते हैं ये भर लिया हमने धागा सुई में। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना फिर समझ आ जाएगा कि किस तरीके से तहरी दिया जाता है।
इसको भी इसी के साथ जोड़ा है, वरना ये अकेला होता है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को।